everyone. Guys, I am Nidhi Dhruv, your very own CLAT educator on Unacademy, and I'm back again with the weekly current affairs for you all. I know रोज रोज न्यूज़पेपर पढ़ना एंड रोज रोज उसे अपडेट करने में कभी कभी छूट भी जाता है, कभी रह जाता है. बहुत टाइट शेड्यूल होता है आप लोगों का, जिसके वजह से ये शायद ना भी हो पाए. सो टू मेक इट ईजियर फॉर यू, आप एटलीस्ट संडेज के दिन या फिर सैटरडे संडे जब भी आपको छुट्टी है स्कूल्स वगैरह में, आप बैठ के वीकली करंट अफेयर्स देख लो, राइट? सो ये वीकली करंट अफेयर्स मैं दो पार्ट्स में लाती हूँ, एवरी फ्राइडेज एंड सैटरडेज, ठीक है? दिस टाइम आई एम नॉट कमिंग लाइव, आई एम पुटिंग अ रिकॉर्डेड वन, ठीक है? सो 14th to 16th अक्टूबर मैं फर्स्ट पार्ट में कवर कर रही हूँ, एंड 17th to 20th अक्टूबर के करंट अफेयर्स आई बी कवरिंग इन द सेकेंड पार्ट. ओके, सो लेट अस बिगिन. यू नो, हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इतने सारे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, 3 दिन में है के भी है, 14th to 16th, बट देर आर लॉट ऑफ करंट अफेयर्स टू कवर. सो क्विकली क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारे करंट अफेयर्स को अपडेट करना. नाउ दिस पर्टिकुलर वन इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट गाइज. सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, एंड हम बोलेंगे ये जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, बिकॉज ये बहुत बड़े मुद्दे पे है. इतने सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे पूरे कंट्री वाइड रिगार्डिंग हिजाब बैन, विच वॉज इम्पोज बाई कर्नाटका गवर्नमेंट एंड वॉज अपहेल्ड बाई कर्नाटका हाई कोर्ट. इसका मतलब क्या होता है, आसान लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ, डोंट वरी. ओके, सो गाइज क्या हुआ था ना, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री समझा देती हूँ पहले तो, ठीक है? सो कर्नाटका की कुछ स्कूल्स में नो सम स्कूल स्टूडेंट्स गर्ल्स वो वेयरिंग हिजाब, हिजाब मतलब मुस्लिम्स में यू नो एक स्कार्फ वो लोग कवर करके आते हैं, ठीक है? और वो मुस्लिम रिलीजन के हिसाब से गर्ल्स आर टॉट टू यू नो वेयर लाइक दैट हिजाब, उनको पहनने के लिए उनको बताया जाता है एज पर मुस्लिम रिलीजन. नाउ दीज गर्ल्स आर वेयरिंग दैट टू स्कूल. तो स्कूल अथॉरिटीज ने बोला कि यू गाइज आर नॉट सपोज टू वेयर दिस. सबके लिए स्कूल अथॉरिटीज ने यूनिफॉर्म बनाए हैं, तो सभी को सेम यूनिफॉर्म पहन के ही स्कूल में आना चाहिए. यू गाइज आर नॉट सपोज टू वेयर हिजाब एंड कम. तो भी ये गर्ल्स नहीं मानी. एग्जाम के दिन आ गए, एंड ये एग्जाम के दिनों में भी स्कूल गर्ल्स जो स्टूडेंट्स थी उन्होंने ये हिजाब पहन के आए, तो उनको एग्जाम में बैठने को नहीं मिला. उनको स्कूल अथॉरिटीज ने बोला कि वी हैव ऑलरेडी वॉर्न्ड यू दैट नॉट टू वेयर हिजाब एंड यू आर नॉट फॉलोइंग द यू नो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्कूल, सो यू विल नॉट बी अलाउड टू गिव एनी एग्जाम्स. ओके, तो उनको एग्जाम नहीं देने दिया. तो इसको लेके बहुत प्रोटेस्ट होने लगे, मुस्लिम कम्युनिटीज ने बहुत यू नो प्रोटेस्ट किए इसको लेके. कर्नाटका गवर्नमेंट ने फिर ये डिसीजन दे दिया, लाइक गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि कंप्लीटली हिजाब इज बैन. आप अपने घर में जो पहनना है पहनो, बट आप स्कूल में आ रहे हो, आप कोई पर्टिकुलर प्लेस पे आ रहे हो जहाँ वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वहाँ यूनिफॉर्म पहनना है तो आपको यूनिफॉर्म ही पहनना है. यू कैन नॉट वेयर समथिंग एल्स एंड कम. इवन हिंदूज को हम भगवा पहन के दैट इज सेफरिन यू नो क्लॉथ या उनका कपड़ा डाल के हम नहीं आने देते हैं. वो मंदिर में अपने घर में ये कर सकते हैं, बट स्कूल्स में जो सबके लिए एक यूनिफॉर्म बना है वो ही पहनना है. सो दिस ऑर्डर वॉज पास बाय कर्नाटका गवर्नमेंट देन. ओके, कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये डिसीजन दिया गाइज. ये कर्नाटका गवर्नमेंट का डिसीजन को चैलेंज करने के लिए दे वेंट टू कर्नाटका हाई कोर्ट. कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसे अपहेल्ड किया, मतलब कंफर्म किया कि ये ठीक है, ये जो डिसीजन दिया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने हम उसको मानते हैं, परफेक्ट है, हिजाब पहन के स्कूल्स में नहीं आना चाहिए. ये चीज कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसीजन ले ली. उसके बाद भी कर्नाटका हाई कोर्ट के जजेस को, गाइज हमने लिटरली ये रोज न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है कि वहाँ के जो जजेस, 3 जज बेंच ने कर्नाटका हाई कोर्ट में ये डिसीजन दिया था, उनको डेथ थ्रेट्स मिल रही थी.
अगर आप अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हो तो आप डेथ थ्रेट्स किसी जज को कैसे दे सकते हो? लिटरली वो तीनों जजेस को डेथ थ्रेट्स मिल रही थी और कंट्री वाइड फिर प्रोटेस्ट हुए इसको लेके. एंड देन फाइनली दीज गर्ल्स एंड उनकी फैमिली, ये स्कूल गर्ल्स और उनकी फैमिली गए सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जजमेंट को हम चैलेंज कर रहे हैं, हमें वो जजमेंट मंजूर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आप हमें जस्टिस दो. ये करके वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए. ठीक है, अभी इतना कंट्री वाइड प्रोटेस्ट, कर्नाटका गवर्नमेंट का डिसीजन अपहेल्ड बाय कर्नाटका हाई कोर्ट, एंड देन दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट. दिस इज व्हाई दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट जजमेंट, इसीलिए ये लैंडमार्क जजमेंट बन जा रहा है गाइस. ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली, काफ़ी दिनों से ये केस सुन रहे थे, ये हिजाब बैन को लेके जो डिसीजन देना था, सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिलीवर्ड इट. सुप्रीम कोर्ट ने कैसा डिसीजन दिया है? इट हैज़ गिवन अ स्प्लिट वर्डिक्ट. स्प्लिट वर्डिक्ट मतलब दो जज की बेंच ने ये डिसीजन दिया है. ओके, जस्टिस हेमंत गुप्ता आप देख सकते हो यहाँ, जस्टिस सुधांशु दुलिया, ये दो जज की बेंच ने, ये सुप्रीम कोर्ट की दो जज बेंच ने डिसीजन दिया है. नाउ दिस टू जज बेंच, एक बात ये भी बता दूं, जब ये भी टू जज बेंच डिसीजन देता है उसको हम लोग लीगल लैंग्वेज में डिविजन बेंच बोलते हैं गाइस. क्या बोला जाता है? डिविजन बेंच भी बोला जाता है इनको. तो ऐसा होता है कि ये दोनों ही जजेस एक ही चीज को अग्री किए होते, यूनानिमस डिसीजन दिया होता, तो फिर वो डिसीजन एक फाइनल हो जाता था. बट यहाँ क्या हुआ ना, दो जज बेंच ने केस सुना, बट दोनों के ही अलग व्यूज है इसके ऊपर और दोनों ने ही स्प्लिट वर्डिक्ट दिया. एक ने बोला कि हिजाब बैन करना कंटिन्यू रखना चाहिए और एक ने बोला कि नहीं, हिजाब बैन नहीं करना चाहिए, गलत है. ठीक है, दोनों के अलग अलग व्यूज है. तो इसके लिए अभी फाइनली क्या होगा, जो कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट है फिर वो ही एप्लीकेबल होगा, बिकॉज यहाँ कोई पक्का जजमेंट आया नहीं, स्प्लिट वर्डिक्ट आया, दोनों ही जज के अलग व्यूज है. तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट विल नॉट स्टैंड नाउ और अल्टीमेटली कर्नाटका हाई कोर्ट का ही जजमेंट रहेगा. तो सुप्रीम कोर्ट में गए, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या पास किया, स्प्लिट वर्डिक्ट दिया. ओके, तो उसके कारण ये जजमेंट ही फॉलो किया जाएगा, इसे ही इंपॉर्टेंस दिया जाएगा. अभी समझ में आ रहा है? तो ये हुआ. अभी ये दोनों ही जजेस के क्या डिफरेंट व्यूज थे, हम लोग थोड़ा ये भी समझ लेते हैं बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, सो टू जजेस ऑफ द बेंच हैज डाइवर्जेंट ओपिनियंस ऑन द आइडियाज ऑफ सेक्युलरिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ द बैन ऑन एजुकेशन ऑफ गर्ल्स. केस विल नाउ बी हर्ड बाय अ लार्जर बेंच. तो ऐसा नहीं है कि कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट फाइनल भी हो जाएगा, बट अभी फिलहाल के लिए वो एप्लीकेबल होगा. नाउ सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच इसे सुनेगी, मतलब दो जज बेंच ने सुना है तो अभी ज़्यादा जजेस की बेंच, बड़ी बेंच इसे सुनेगी, मतलब ज़्यादा जजेस इन्वॉल्व होंगे अभी इस जजमेंट में. तो सुप्रीम कोर्ट में की लार्जर बेंच के पास जाएगा, बट वो जाएगा तभी जाएगा और वो केस जब भी सुना जाएगा तभी सुना जाएगा. तब तक कर्नाटका हाईकोर्ट का ही जजमेंट एप्लीकेबल होगा. ठीक है, सो जस्टिस हेमंत गुप्ता का मानना है कि राइट टू एक्सप्रेस हरसेल्फ बाय वेयरिंग अ हिजाब स्टॉप्स एट द स्कूल गेट. तो तुम्हें एक्सप्रेस करना है कि हम ये रिलीजन के हैं, मुस्लिम रिलीजन के हैं, और हमें इसलिए हम लोग हिजाब के थ्रू ये दिखाते हैं कि वी बिलोंग टू पर्टिकुलर कम्युनिटी. जस्टिस हेमंत गुप्ता बोलता है कि ये चीज़ सभी स्कूल गेट पर स्टॉप कर दो. स्कूल में जाके सभी लोग सेम है, एवरीबडी इज इक्वल, एवरीबडी इज सपोज टू, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चन हो, पारसी हो, सब एक ही हो जाते हैं. स्कूल में जाने के बाद स्कूल के जो रूल्स हैं, उनके यूनिफॉर्म है, उनके जो कपड़े, वो ही पहनने चाहिए. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गारंटीड अंडर आर्टिकल 19(1)(a) डज नॉट एक्सटेंड टू वेयरिंग ऑफ हेडस्काफ. हिजाब जो हेडस्काफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप कपड़ों के थ्रू आप एक्सप्रेस करो हम कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. एट स्कूल गेट एवरीथिंग स्टॉप्स. जबकि जस्टिस सुधांशु धुलिया का ये बोलना था कि वेयरिंग अ हिजाब शुड बी सिंपली अ मैटर ऑफ चॉइस. ठीक है, ये कम्प्लीटली सबकी खुद की चॉइस होनी चाहिए. ठीक है, इट मे बी ओनली वे हर कंजर्वेटिव फैमिली विल परमिट हर टू गो टू स्कूल. तो
तो ये एक बहुत अच्छा एक्चुअली और एक बहुत लॉजिकल मुद्दा जस्टिस सुधांशु दुलिया ने अपने रीजनिंग में दिया जब ही उन्होंने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया, मतलब दोनों ने खुद के साइड के जजमेंट पास कर दिए हैं, ठीक है। सुधांशु दुलिया जी ने ये एक बहुत लॉजिकल, मुझे खुद को लॉजिकल लग रहा है ये चीज़, कि ऐसा हो सकता है लॉट ऑफ फैमिलीज इन इंडिया, एवरीबडी के नॉट अफोर्ड एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, सो काफ़ी अभी भी ऐसी हमारे इंडियन कम्युनिटीज़ में होता है कि अगर लड़के और लड़कियां दोनों है घर में तो लड़कों के एडुकेशन को प्रमोट किया जाता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। एट टाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि सम कम्युनिटीज में मतलब गर्ल्स को उनकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सारे रीजन से ऐसे बाहर जल्दी से नहीं निकालते हैं। तो अगर निकाला है तो ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप ये स्कार्फ पहन के जाओ, ये आप बुरखा वगैरह पहन के जाओ तो ही आपको हम घर से बाहर निकलने देंगे, वरना नहीं निकलने देंगे। तो शायद ये सब बंद करने की वजह से उनका एडुकेशन बंद हो जाएगा, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर द कंट्री, हमारी कंट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए चीज़ अच्छी नहीं है कि वेमेन को घर में बिठाया जाए और उनको ना निकाला जाए। तो इसके कारण शायद उनका एडुकेशन भी बंद हो जाए, ये उनको हिजाब ना पहनने दिया जाए इसके कारण। सो हाँ, हिजाब इज़ अ टिकट टू एडुकेशन में भी, तो ये बंद करने से ये नहीं, मतलब ये बैन करना इसलिए ठीक नहीं होगा, ये एक काफ़ी लॉजिकल चीज़ जस्टिस सुधांशु दुलिया ने बताई है। बट दैट के नॉट बी द ओनली बेसिस, राइट? फिर तो क्या हो जाएंगे, क्रिश्चियंस विल लाइक कीप वेयरिंग देयर एक्सेसरीज, लाइक क्रॉस पहन के आएंगे स्कूल में, सो स्कूल में जो डिसिप्लिन मेंटेन करना है वो नहीं होगा। देन मुस्लिम्स फिर हिजाब पहन के आएंगे, हिंदूज बोलेंगे हम भगवा हमारा स्कार्फ डाल के आएंगे, तो ये चीज़ नहीं होगी, फिर वो डिसिप्लिन नहीं रहेगी स्कूल एनवायरनमेंट में, ये भी एक प्रॉपर लॉजिक है। तो इसलिए स्प्लिट वर्डिक्ट, नाउ वी हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या आता है जजमेंट बाय द लार्जर बेंच। ओके, तो गाइज ये हो गया हमारा सबसे पहला न्यूज ऑफ दिस वीक, लाइक लास्ट वीक, सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज, हम आगे ये आपको डेफिनेटली पूरा ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ये एक ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने थोड़ा ये PDF में ये हाईलाइट करके रखा है तो आपको प्रॉपरली दिखेगा क्या व्यूज थे। एंड यस, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टिंग के मैम आप ये PDF प्लीज शेयर करो। सो या गाइज, ना फ्रॉम नाउ ऑन आई विल डेफिनेटली शेयर दिस PDF विथ यू ऑल। तो ये सेशन जैसे ही लाइव चला जाएगा, राइट नाउ आई एम गिविंग यू रिकॉर्डेड वन, दिवाली आ रहा है तो इस चक्कर में मैं भी लाइव सेशन नहीं ले पा रही हूँ, काफ़ी आवाज़ रहता है यहाँ पे, तो मैं रिकॉर्डेड सेशन आपको दे रही हूँ मॉर्निंग मॉर्निंग में उठ के अभी, ठीक है? जैसे ही सेशन लाइव हो जाएगा आप लोग का यूट्यूब पे, आई विल डेफिनेटली गिव इट टू यू ऑल ऑन माई टेलीग्राम ऑल्सो, ठीक है? तो मेरी टेलीग्राम चैनल भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? निधि ध्रुव, मेरा नाम निधि ध्रुव है, ठीक है? एंड क्लैट एडुकेटर पीछे लगाना है आपको, ये चैनल मेरी टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ये PDF मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ, ठीक है? गोइंग अहेड विद द अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ गाइस, और कौन सा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये वीक से? सो UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, एक इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन, सो इस UNGA में काफी सारे रेजोल्यूशन अभी तक रखे गए हैं अगेंस्ट रशिया गाइस। बट एक अभी रिसेंटली रशिया ने जो काम किया, चार यूक्रेन के रीजन है, डोनेट्स लुहांस का हमें पता है, ये चार रीजन, जो चारों रीजन को अनेक्स कर लिया और उसको रशिया का पार्ट बना लिया और वहां के लोगों को रशियन सिटीजनशिप दे दी, ये काम जो रशिया ने किया है ये कंप्लीटली इलीगल है। सो इसको इलीगल डिक्लेयर करने के लिए मेंबर नेशंस ने वोटिंग किया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस चीज़ के लिए रेजोल्यूशन रखा गया। एंड हमें पता है अभी तक रशिया के अगेंस्ट जितने भी, जब से वॉर स्टार्ट हुआ है यूक्रेन रशिया का, जितने भी रेजोल्यूशन रखे गए, इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं किया। वी हैव बीन डिप्लोमेट, ना ही हमने फेवर में वोट किया है, ना ही हमने अगेंस्ट में वोट किया है। तो हमारे पास एक ही रास्ता है, वोट ना करना, एंड सेम चीज़ हमने वापस की है, इंडिया एब्सटेन्स, क्योंकि रशिया के साथ हम भी रिलेशन हमारे नहीं बिगाड़ सकते, वेस्टर्न कंट्रीज का भी कोई भरोसा नहीं कभी क्या कर ले, तो और हमारे रशिया के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप है, इसे बिगाड़ना इज नॉट एडवाइजेबल, सो इंडिया एब्सटेन्स
ओके ऑन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन अगेंस्ट रशिया, ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो ये इलीगल रेफरेंडा है तो जो था, जो उन्होंने यूक्रेन के टेरिटरी को अनेक्स करने की ट्राई की, ये रिजोल्यूशन यूएनजीए में रखा कि इसको इलीगल डिक्लेयर करते हैं। इंडिया ने वोट नहीं किया, एब्सटेन किया वोट करने से, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज फ्रॉम लाइक स्पेस सेक्टर गाइज। तो ये स्पेस सेक्टर का जो ये न्यूज़ है, हमने क्लैट के न्यू पैटर्न जब जी आई है क्लैट 2020, तब से देखा है कि स्पेस रिलेटेड न्यूज़ पूछे जाते हैं। लिटरली दे गिव द पैसेज एंड उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस बनाते हैं एंड 5 मार्क्स तक का पूछते हैं स्पेस के ऊपर। एंड दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव फॉर एंटायर कंट्री। सो आपके एग्जाम के लिए भी डेफिनेटली डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या ये न्यूज़ है, मैं समझा देती हूँ क्विकली, ठीक है। सो गाइस, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अपना खुद का, इसरो ने खुद का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया है, ठीक है। और ये जो है ये PSLV को रिप्लेस करने जैसा है, मतलब PSLV जैसा काम करेगा। ऐसा नहीं है कि PSLV को निकाल देंगे, बट PSLV का रोल लेने के लिए नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल आ गया है। अभी ये आपको बता दूं कि PSLV हमेशा से हीरो बना रहा है इसरो के हिस्ट्री में, ठीक है। अच्छे खासे सक्सेसफुल मिशंस PSLV के थ्रू हुए हैं। तो अभी नया व्हीकल आया है, दैट डजंट मीन कि PSLV खराब है। ऑब्वियसली PSLV इज गुड इनफ, बट इससे ऑलवेज बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर चीज़ें हम ला ही सकते हैं। तो PSLV तो रहेगा ही रहेगा, बट नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल उससे भी बेटर काम और बेटर टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। तो ये इसीलिए PSLV के जैसा रोल प्ले कर सकता है वो बता रहा है, ठीक है। ओके, सो गाइज, PSLV होता है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ओके। एंड हमारे पास GSLV भी है इंडिया में, ठीक है। सो GSLV जो होता है बेसिकली, मैं आपको समझा देती हूँ दोनों का मतलब, तो आपको थोड़ा आइडिया अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। GSLV एंड PSLV, ठीक है। तो बेसिकली GSLV जो है, मैं इसका एक सेकेंड फुल फॉर्म याद नहीं कर पा रही हूँ GSLV का। सो बेसिकली ये भी स्पेस व्हीकल ही है, स्पेस लॉन्च व्हीकल, बट ये बड़ा वाला होता है, PSLV छोटा वाला होता है, ठीक है। जी स्टैंड फॉर वॉट, ये थोड़ा मेरे को दिमाग से भी स्किप हो गया। तो GSLV बेसिकली है ना, हायर ऑर्बिट में, जब भी हमें हायर ऑर्बिट में लॉन्च करना है सैटेलाइट, तभी GSLV यूज़ किया जाता है। लोअर ऑर्बिट में, अर्थ के लोअर ऑर्बिट तक, मतलब कम जगह, कम डिस्टेंस तक हमें भेजना है, तो हम लोग PSLV से भेजते हैं। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट व्हीकल है इसरो में, ठीक है। बट अभी ये जो नया आ रहा है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम बताएंगे NGLV, ठीक है, ये PSLV जैसा रोल प्ले करेगा। मतलब लोअर ऑर्बिट में हमें स्पेस में भेजना है, अर्थ के लोअर ऑर्बिट में सैटेलाइट्स भेजनी है, तो उसके लिए काम लगेगी, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे ये जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, ये कॉस्ट इफिशियंट है। ये किस तरीके से PSLV से और बेटर है, कॉस्ट इफिशियंट है, 3-stage रीयूजेबल है। सबसे बेस्ट पार्ट, एक बार PSLV लॉन्च कर दिया तो वो फिर हमारे कुछ काम का नहीं रहता है। PSLV में ऐसा है, बट NGLV जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, वो रीयूज भी हो सकता है। इट्स अ हैवी लिफ्ट व्हीकल विद अ पेलोड कैपेबिलिटी ऑफ 10 tons, ओके, टू जियो स्टेशन एनी ट्रांसफर ऑर्बिट। सो NGLV में सेमी क्रियोजेनिक प्रोपल्शन होगा फॉर द बूस्टर स्टेजेस, विच इज चीपर एंड एफिशिएंट। तो ये जो क्रियोजेनिक है ना गाइज, ये चीज़ काफ़ी बीच में बातें हो रही थी इसके बारे में। तो बेसिकली एक लो टेम्परेचर में, ठंडी प्लेस में, लो टेम्परेचर में जब भी यू नो ह्यूमन बॉडीज को रखा जाता है, तो उसको आने वाली जनरेशन लाइक 6-7 हज़ार साल के बाद लोगों को हम पे भी एग्जामिन करना होगा। मतलब ह्यूमन बॉडीज कैसी थी, क्या था, हम एंशियंट बन जाएंगे एक टाइम। तो अभी वो क्रियोजेनिक प्लेस में, लो टेम्परेचर में ह्यूमन बॉडीज को संभाल के रखा जा रहा है।
तो ये एनजीएलवी में भी एक फीचर है सेमी क्रियोजेनिक का, एक लो टेम्परेचर का, जो जिस तरीके से उसे डिजाइन किया है इसी वजह से वो रीयूजेबल बन जाती है, वो वापस भी हम रीयूज उसे कर सकते हैं, वो फंडा इधर बताया हुआ है, ठीक है। और उसका फीचर वगैरह एकदम सिंपल है, डिजाइन एकदम सिंपल है, बट काफी कॉस्ट इफिशियंट है, काफी खर्चा बचाएगी, एट द सेम टाइम रीयूज हो पाएगी, तो दैट्स द बेस्ट थिंग वी कैन हैव। तो इसरो का ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव याद रखना है, ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज करेंगे हम लोग इज वंदे मातरम ट्रेन्स के बारे में। हमारे गाइज आप लोगों को पता होगा बजट, यूनियन बजट अभी जो आया था 2022, सो यूनियन बजट 2022 में फेब्रुअरी 2022 में आया, उसमें ऑलमोस्ट 300 to 400 वंदे मातरम ट्रेन्स लॉन्च की जाएगी, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। और बजट में बोला था ऑलरेडी दो वंदे मातरम ट्रेन्स वर लाइक देयर इन इंडिया। वंदे मातरम ट्रेन कतरा, दिल्ली टू कतरा और दिल्ली टू बनारस के बीच में चल रही थी, दिल्ली टू बनारस, बनारस टू दिल्ली और दिल्ली टू कतरा और कटरा टू दिल्ली, वैसे करके दो ट्रेन्स चल रही थी। रिसेंटली मुंबई अहमदाबाद के बीच में भी एक वंदे मातरम ट्रेन लॉन्च हुई, ठीक है। एंड अभी ये चौथी वंदे मातरम ट्रेन जो है हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई है। अभी पीएम खुद ये वंदे मातरम ट्रेन को लॉन्च करने गए, ठीक है, उसका इनॉग्रेशन करने गए। तो प्रधानमंत्री हमारे ये बोल रहे हैं, ये ब्लेम्स दैट प्रीवियस जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट रही है, मतलब आज से पहले बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, दूसरी जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने 20th सेंचुरी वाली एमिनिटीज भी नहीं है, अभी तो 21st सेंचुरी चल रहा है, बट 20th सेंचुरी की जो एमिनिटीज होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश में उतनी भी नहीं दी है। तो पीएम इज ब्लेमिंग के पहले की गवर्नमेंट कैसी थी, कि हिमाचल प्रदेश अभी तक इतना पिछड़ा हुआ रहा है। तो ये चीज के बारे में इन्होंने बात की है पीएम ने, इसमें और ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना ही जानना है। नेक्स्ट वन हम लोग करेंगे इज इसरो प्रपोजेस डेडिकेटेड सेटेलाइट्स फॉर सपोर्टिंग एग्रीकल्चर सेक्टर। दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बाई आर स्पेस एजेंसी, लाइक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। सो इसरो के जो हेड है, चेयरमैन एस सोमनाथ जी, ठीक है, सो चेयरमैन ऑफ इसरो, ये उन्होंने अनाउंस किया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए जो हमें बताया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कि सेटेलाइट्स बनानी चाहिए, तो दो एटलीस्ट सेटेलाइट्स कम से कम लगेगी उसके लिए, ठीक है, और उसके लिए पर्टिकुलर खर्चा भी लगेगा ऑब्वियसली, इसीलिए वो लोग ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ओके। सो ये चीज़ है, उन्होंने ये बताया है, ओके। देखिए, मिनिमम ऑफ टू सैटेलाइट्स विल बी नीडेड टू गारंटी एडिक्वेट कवरेज ऑफ एंटायर एग्रीकल्चर एरिया ऑफ आर कंट्री, ओके। सो ये चीज़ उन्होंने बताई है, ये उनको लगेगा, ओके। सो इसरो ने एग्रीकल्चर सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चाहिए और ऑब्वियसली उसके हिसाब से कितना खर्चा चाहिए गवर्नमेंट को बताया होगा, यहाँ ये मैंशनड नहीं है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस ये ध्यान रखिए कि हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए आने वाली है सैटेलाइट्स दो। गोइंग फर्दर विथ अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज गाइज, ये एक न्यूज एंड कॉन्टेक्स्ट जो आता है हमारे द हिंदू में, उससे मैंने लिया हुआ है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये गाइज इंटरपोल का जनरल असेंबली मीटिंग ये साल दिल्ली में होने वाला है, तो इतने सालों की इंटरपोल की हिस्ट्री में ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि हमारे इंडिया में ये इस चीज़ का, इंटरपोल का जनरल असेंबली मीटिंग हो रहा है, तो इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग इवेंट फॉर अस, ठीक है। तो इसमें क्या डिस्कस किया गया बेसिकली, कि इंटरपोल के रोल्स एंड फंक्शंस क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ रेड नोटिस, रेड नोटिस क्या होता है, वो चीज डिस्कस किया गया। एंड दिल्ली में जो अपकमिंग मीटिंग होने वाली है उसमें क्या मेजर चेंजेस लाए जाएंगे, ये यहाँ ऑथर ने बताया है, ठीक है। सो दीज आर सम डिफरेंट थिंग्स जो इंटरपोल ने बताई हुई है, ठीक है। सो आई मीन इधर ऑथर ने बताई हुई है अबाउट द इंटरपोल, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये क्विकली क्विकली, ठीक है। तो 1923 में इंटरपोल हुआ था सेटअप, ये ध्यान रखिए, ठीक है।
ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफ पुलिस फोर्सेस अक्रॉस द ग्लोब थ्रू आउट कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम वेरियस पुलिस फोर्सेस. तो कैसा होता है ना गाइज, इंडिया भर के पुलिस को इंडिया की इंफॉर्मेशन पता होगी, बट वॉट अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ सम क्राइम्स विच इज हैपनिंग आउटसाइड इंडिया. समझो इंडिया और बांग्लादेश है, इंडिया और पाकिस्तान समझो बॉर्डर है, किसी ने इंडिया में क्राइम किया और पाकिस्तान जाके बैठ गया. दिस इज वेरी नॉर्मल फॉर अस राइट, हम सुनते रहते हैं ये चीज. सिमिलरली बांग्लादेश में क्राइम किया, इंडिया में आके छुप गया, ये होगा तो इंडिया वाले तो उसको पनिश नहीं करेंगे, क्योंकि इंडियन पुलिस पनिश नहीं करेगी क्योंकि वो तो बांग्लादेश का क्रिमिनल है. तो ऐसा सब ना हो इसके लिए एक इंटरपोल है जो काम करता है कि बांग्लादेश में एक क्राइम हुआ है, इस चीज का इंफॉर्मेशन बांग्लादेश पुलिस इंटरपोल को देगी और इंटरपोल हमें ये इंफॉर्मेशन देगी. तो इस तरीके से ये वर्क करता है. ठीक है, वॉट इज एग्जैक्टली द रेड नोटिस थिंग, ये भी आपको समझा दूँ. तो एक स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन मैंने जैसे बताया आपको कि मेंबर नेशंस जो भी मेंबर कंट्रीज हैं इंटरपोल की, उनको बताया जाता है मेंबर नेशन को, बाय नोटिफाइंग द नेम्स ऑफ पर्सन्स अगेंस्ट होम एन अरेस्ट वॉरेंट इज पेंडिंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री. जैसे कि हमारी कंट्री में गाइस अबू सालेम थे, वो पोर्टुगल भाग गए थे. ओके, अभी पोर्टुगल वाले उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, वो समझो टूरिस्ट वीजा ऐसे करके घूमने चले गए, बट इंडिया में तो क्राइम करके गए हैं. तो इंटरपोल ने हमें हेल्प किया था अबू सालेम को इंडिया में कन्विक्ट करने के लिए. तो इस तरीके से ये रेड नोटिस हेल्प करती है पोर्टुगल को. इंटरपोल ने रेड नोटिस दिया कि इंडिया का क्रिमिनल है भाई, इंडिया को दे दो इनको वापस. और इंडिया में फिर वो लाए गए और पोर्टुगल ने हमें हेल्प किया अबू सालेम को इंडिया वापस लाने के लिए और उनको पनिश करने के लिए. सो दैट इज व्हाट रेड नोटिस इज गाइस. ठीक है, अभी ये दिल्ली में जो मीटिंग होने वाला है ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये हम समझ लेते हैं क्विकली. सो ग्लोबल पुलिस का लीडरशिप बेसिकली ग्लोबल क्राइम्स को अटकाने के लिए, स्पेसिफिकली स्मगलिंग रिलेटेड और आर्म्स एंड अमुनिशन जो के रिलेटेड, उसको स्मगल करने के रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं, फॉर दैट मेन मुद्दा हमारा मेन एजेंडा डिस्कशन का वो रहेगा इस बार. ठीक है, दिल्ली मीटिंग में. तो दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर बाय द ऑथर. ठीक है, तो ये मेन मेन मुद्दे मैंने आपको बता दिए, बस इतना जानना है, ज़्यादा इसको डिटेल में और नहीं जानना है. तो ये आपको आई होप समझ में आ गया. ठीक है, सो हिजाब बैन के बारे में हमने सबसे फर्स्ट ही न्यूज़ आज के सेशन में पढ़ी, राइट. तो वो ही है कि हिजाब बैन इज गोइंग टू कंटिन्यू इन कर्नाटका स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये बता दिया गया. सो वेलकमिंग द ऑर्डर, स्टेट मिनिस्टर सेड फॉर नाउ देर इज नो प्रोविजन फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस इनसाइड क्लासरूम्स एंड स्टूडेंट्स मस्ट अबाइड बाय रूल्स. तो मैंने आपको जब वो फर्स्ट न्यूज़ पढ़ाई तभी बोला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट आया है. तो यहाँ कर्नाटका हाई कोर्ट का ही जजमेंट अभी तो एप्लीकेबल होगा, अंटिल सुप्रीम कोर्ट का लाजो बैन जजमेंट ना दे दे तब तक कर्नाटका स्कूल कॉलेजेस में हिजाब बैन ही रहेगा. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज गाइस, कजाकिस्तान में जो मीटिंग हुई, ओके, कजाकिस्तान के कैपिटल नूर सुल्तान जो है गाइस, इसमें एक मीटिंग हुई रिसेंटली. ठीक है, उसमें क्या हुआ ना, पाकिस्तान के पीएम जो मिस्टर शरीफ है, उन्होंने कश्मीर इश्यू पे बोला कि इंडिया तो है ना ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है और कश्मीर में लोगों को ये प्रॉब्लम है, इंडिया तो ये गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया. तो इंडिया ऑब्वियसली पीछे नहीं रहेगा, इंडिया ने भी टारगेट कर लिया प्रॉपरली पाकिस्तान को. और कजाकिस्तान मीटिंग में खुले आम हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने खुले आम स्टेटमेंट दे दिया कि पाकिस्तान है ना, ये बोलना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान को कुछ भी, बिकॉज पाकिस्तान खुद ही टेररिज्म का एपिसेंटर है. ये सिर्फ हम नहीं पूरा वर्ल्ड जानता है इस बारे में. सो पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म. और आज के गाइस द फनी पार्ट इज, मतलब 14th को ये न्यूज़ थी, ओके, और 17th की न्यूज़ में, मतलब जो एक लास्ट न्यूज़ मैं इसमें कराने वाली हूँ आप लोगों को, वहाँ खुद आपको दिखा दूँ, खुद जॉय बिडेन US President, he calls Pakistan the most dangerous nation. एक तरीके से पाकिस्तान को उनके फाइटर जेट्स को रिवैम्प करने में हेल्प भी करता है, बट पाकिस्तान को मोस्ट डेंजरस नेशन भी बोल दिया है बिडेन ने. तो इट्स नॉट जस्ट इंडिया हु इज सेइंग दैट, एवरीबडी विल अग्री दैट पाकिस्तान इज द एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म. खुले आम एस जयशंकर जी, सुपर्ब हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं,
ये बोल के आया है ये चीज़ कजाकिस्तान मीटिंग में, इट्स अ बिग थिंग, मुंह तोड़ जवाब, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये एक न्यूज़ ध्यान में रखिएगा। नाउ इज क्विकली ओके, मैं आप लोगों को एक क्विकली इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक है। हम आगे बहुत सारे और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, अभी मैंने स्क्रॉल किया उसमें आपने देखा ही होगा, बट जस्ट 2 मिनट लगेगा, मैं क्विक इंट्रोडक्शन देती हूँ। काफ़ी काम की ही इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रही हूँ, सो डोंट वरी। सो गाइस, आई एम निधि ध्रुव, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एंड अकाउंटिंग सेक्रेटरी, हैविंग 8+ years एक्सपीरियंस इन टीचिंग फॉर वेरियस लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। आई वॉज अर्लियर एसोसिएटेड विद IMS लर्निंग रिसोर्सेज, आई एम स्टिल एसोसिएटेड विद CSN कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, वेर आई टीच लॉ सब्जेक्ट्स टू CSN कॉस्ट अकाउंटेंट स्टूडेंट्स, एंड आई रियली लव इंटरेक्टिंग विद ऑल द लवली स्टूडेंट्स लाइक यू ऑल एंड शेयरिंग माय नॉलेज। सो दैट्स मी गाइज। हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं फिलहाल, अन अकेडमी गाइज बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ट्रस्ट माई वर्ड्स, ज़रूर इसे ज्वाइन कीजिए। फ्री क्लासेस पेड क्लासेस दोनों होती है अन अकेडमी पे, फॉर फर्स्ट फ्यू डेज यू गाइज कैन वॉच फ्री क्लासेस, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री क्विजेस, एंड अगर आपको फिर अच्छा लग रहा है एक्सपीरियंस अन अकेडमी का, देन यू कैन गो एंड टेक द सब्सक्रिप्शन, प्लस आइकॉनिक एंड लाइट सब्सक्रिप्शन, तीनों टाइप के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है अन अकेडमी पे, ठीक है। तो लाइट सब्सक्रिप्शन इज अबाउट टेस्ट सीरीज गाइज, ठीक है, मॉक टेस्ट आपको सब देखने को मिलेगा, क्लास नहीं देखने को मिलेगी, बट प्लस और आइकॉनिक में पेड क्लासेस आप देख सकते हो। एंड बेसिकली सब्सक्रिप्शन लेने के लिए दीज आर द प्राइजेस, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% ऑफ के लिए मेरा कोड निधि लाइव यूज़ कीजिए, ये मत भूलिएगा। ये प्राइजेस पे 10% डिस्काउंट भी अच्छा खासा होता है, तो उसको लेने के लिए निधि लाइव, मेरा नाम निधि और उसके पीछे लाइव लगाना है, ये कोड आप यूज़ कीजिए। दीज आर अकेडमी लर्नर्स मेड इट टू टॉप NLU इन रीसेंट क्लैट एग्जाम, आप भी कर सकते हो। सो बेसिकली ये बैचेस चालू है, आज बेसिकली 20th अक्टूबर है, मैं आज 20th अक्टूबर को रिकॉर्ड कर रही हूँ ये सेशन, और आपको लाइव हो जाएगा 21st-22nd को, बट 20th को बेसिकली एक बैच चालू हो रहा है क्लैट एलिट का क्रैश कोर्स फॉर द अपकमिंग एग्जाम, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बेसिकली एट एनी पॉइंट यू ज्वाइन अन अकेडमी, हर वीक हम नए कोर्सेज लाते हैं, बैचेस लाते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। देन लीगल का स्ट्रैटेजी बैच है ये, जो 12 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है जस्ट रिसेंटली, एंड जी के एंड करेंट अफेयर्स का भी एक स्ट्रैटेजी बैच है जो 13 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। मेरी आज एक फ्री क्लास होने वाली है गाइज, करंट अफेयर्स क्विज की, मैंने इधर अपडेट नहीं की है, करंट अफेयर्स क्विज की क्लास मैं लेने वाली हूँ, ठीक है, 20 अक्टूबर को, बट एनीवेज ये बताने का कोई मुद्दा नहीं है, बिकॉज यू नो आप लोग तो ये सेशन बाद में ही देखने वाले हो। सो बेसिकली फ्री क्लास भी मेरी भी होती है रेगुलरली, 8:30 to 9:30 होती है, एवरी ट्यूजडे थर्सडे करंट अफेयर्स क्विज क्लास लेती हूँ, एंड एवरी फ्राइडे सैटरडे बैकलॉग क्लास कराती हूँ, ठीक है, तो ज़रूर आइएगा। एंड दिस देखिए, ये वाला तो हो चुका है तो अभी एक मतलब नहीं, बट ये वाला बाकी है, तो 29 अक्टूबर को एलर्ट का ऑल इंडिया क्लैट मॉक टेस्ट, लाइक एलर्ट मॉक टेस्ट होगा, एंड रैंक होल्डर्स को स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एंड दिस वॉज द स्पेशल क्लास सीरीज हैपेंड दिस वीक, आपने अगर मिस किया है तो इसको ज़रूर ये वीक की जो स्पेशल क्लास सीरीज थी, मतलब फ्री क्लास सीरीज, इसे ज़रूर रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एंड अन अकेडमी क्लैट यूट्यूब चैनल जिस पर आप मुझे अभी देख रहे हो, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, एंड अगर आपको ऐसे और सेशंस देखने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और सभी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर भी कीजिए, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड देन दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल गाइज, ये अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वीकली करंट अफेयर्स, उसकी PDF आपको भेजूंगी, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल फॉर दैट पर्पस, ठीक है। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे न्यूज़ के साथ आगे, ठीक है। सो ये हो गया कजाकिस्तान मीटिंग वाला, आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ, विच इज़ लाइक सेंटर इज टू हेल्प सेटअप पैडी स्ट्रॉ पैलेट यूनिट्स टू अरेस्ट स्टबल बर्निंग। तो हमें पता है गाइस, दिल्ली में, पंजाब हरियाणा में जो स्टबल बर्निंग होता है उसके कारण दिल्ली में पोल्यूशन का बहुत बड़ा इश्यू है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम, एंड इवन नॉर्थ में काफ़ी स्टेट्स में, पंजाब हरियाणा में भी अच्छा खासा स्टबल बर्निंग के कारण है ही न्यूसेंस, आई मीन पोल्यूशन बहुत होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मतलब हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने 50 करोड़ का एक इंसेंटिव स्कीम बाहर लाया है, बोला है कि फार्मर्स पंजाब एंड हरियाणा में ये बर्निंग क्रॉप रेसिड्यू को, मतलब जो बर्न करने से, स्टबल बर्निंग बेसिकली इसलिए होता है गाइज, कि एक क्रॉप का फार्मिंग हो गया, अभी उनको
दूसरी सीजन के लिए, लाइक खरीफ क्रॉप्स निकाल दिए, फिर रबी क्रॉप्स उनको साव करने हैं, तो उनको वो सब क्लियर करने में बहुत टाइम लगता है. तो फार्मर्स क्या करते हैं ना, जला देते हैं जो भी पहले की क्रॉप्स का थोड़ा बहुत रेसिड्यू बचा है उसे, और फिर एक ही दिन में उनका खेत रेडी हो जाता है फॉर नेक्स्ट राबी सीजन. तो इसके लिए स्टबल बर्निंग करते हैं. तो स्टबल बर्निंग को ना करें, इसके लिए जो न्यू दिल्ली में बहुत पोल्यूशन कर आता है, तो इसके लिए 50 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया है. ओके, और उनको बोला है कि पेडी स्ट्रॉ पेलेस्टेशन एंड टॉरिफिकेशन प्लान्स आप लोग डालिए इस पर्पज़ के लिए, जिसके थ्रू आप स्टबल बर्निंग नहीं होगा फिर. तो ये पर्पज़ की, ये प्रमोट करने के लिए, दिल्ली पोल्यूशन को रोकने के लिए ये चीज़, ये इंसेंटिव स्कीम हमारी गवर्नमेंट ने लाई है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इफ इम्पॉर्टेंट इट इज़. गोइंग फर्दर, और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इज 8 years आफ्टर अरेस्ट, हाईकोर्ट एक्विट्स फॉर्मर डीयू प्रोफेसर इन यूएपीए केस. तो साई बाबा, मिस्टर साई बाबा, प्रोफेसर जी एन साई बाबा, ऐसा बोला जा रहा है गाइज कि ये प्रोफेसर जी एन साई बाबा है, ही हैज सम लिंक्स, ही इज राइट नाउ 52 years ओल्ड. ओके, बट 8 साल से उनको अरेस्ट करके रखा हुआ था. डी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे ये. ठीक है, नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको एक्विट किया. एक्विट मतलब रिलीज्ड. डिक्लेयर्ड नॉन गिल्टी. ओके, तो यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में उनको ये केस में अरेस्ट किया गया था. उनके अरेस्ट के 8 साल बाद उनको छोड़ दिया गया है. तो बेसिकली 90% वो फिजिकली डिसेबल्ड है, आप देख सकते हो व्हील चेयर पे है, 90% फिजिकली वो डिसेबल्ड है. ओके, एंड 2014 से उनको अरेस्ट करके रखा था. ठीक है, बेसिकली किस चीज़ के लिए उनको अरेस्ट किया था, सो देयर इज अ पार्टी कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मेओइस्ट, बैंड पार्टी है. इससे इनका लिंक था, इनका ताल्लुकात पाया गया था जी एन साई बाबा का, ये कम्युनिस्ट पार्टी के साथ. तो मेओइस्ट की कम्युनिस्ट पार्टी बेसिकली क्या होती है गाइस, ये बोलती है कि हमें सिटीजन को हमारे हक के लिए लड़ने के लिए वायलेंस यूज जरूर करना चाहिए, गवर्नमेंट को गिरा देना चाहिए, खुद की गवर्नमेंट लानी चाहिए, तो बेसिकली कैपिटलिज्म प्रमोट करना चाहिए, ये बोलती है ये पार्टी. इससे, और ये बैंड है इंडिया में, ऑब्वियसली इंडिया में ये पार्टी जो वायलेंस करवाती है, मतलब ऐसे वायलेंस को प्रमोट करती है, मेओइस्ट को, नक्सलवादी बेसिकली जो है उनको प्रमोट करती है. तो ये बैंड पार्टी है, इससे इनका ताल्लुकात था, इनकी कुछ लिंक्स थी, तो उसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया था. बट बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि 90% ये डिसेबल्ड है, और ऐसे कोई इंसान क्या हार्म करेंगे, क्या ही हार्म करेंगे इंडिया को, तो उनको फिर एक्विट कर दिया बॉम्बे हाईकोर्ट ने. बट हम लोग अभी आगे ही पढ़ेंगे गाइस, एक ही दिन के बाद, 2 ही दिन के बाद इनफैक्ट, एक इधर पढ़ा देती हूँ आप लोगों को. यस, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट था, साई बाबा जी, एस साई बाबा को, जी एन साई बाबा को, सॉरी, डिस्चार्ज करने का वो ऑर्डर सस्पेंड कर दिया. मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि वो ऐसा कुछ नहीं है कि व्हील चेयर पर बैठा बैठा आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ करप्ट दिमाग चाहिए, खराब दिमाग चाहिए, दिमाग की ऐसी सोच से वो आइडियाज तो किसी के पास भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल हियरिंग रखी तुरंत ही, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को सस्पेंड किया, बोला कि नहीं, इनको डिस्चार्ज नहीं करना है. ओके, तो इनके जो लॉयर थे उन्होंने बोला कि हाउस अरेस्ट में रखो, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि नहीं, हाउस अरेस्ट में भी इनको नहीं रखना है. ठीक है, बिकॉज वो 90% फिजिकली डिसेबल्ड है, वो कुछ नहीं कर सकते, क्राइम नहीं कर सकते, ये ऐसा हम नहीं मानेंगे. वो तो क्राइम तो दिमाग से ही होता है, डिसेबिलिटी से प्रॉब्लम नहीं है. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, उनको जेल में ही रखना है. बेसिकली बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट रिवर्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने. तो ये भी अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक ही दिन में इतना सीरियस इश्यू कि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ये केस सुना भी और बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स भी कर दिया. तो ये हो गया. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है गाइज, विल इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिवील द सोर्स ऑफ फंड्स, सुप्रीम कोर्ट आज सेंट. तो गाइज इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं. तो आप लोग को चेक समझ में आता है राइट,
तो चेक को आप बैंक में लेके जाओ और उसमें जो अमाउंट लिखा हुआ है, समझो मैंने मिस्टर एक्स को चेक दिया और मेरा साइन करके दिया और उसमें मैंने 1 लाख रुपीज़ लिखा, वो जब ही अपनी बैंक में देंगे और उनकी बैंक मेरी बैंक को पैसा देगी तो मेरे अकाउंट से डिडक्ट करके उनको 1 लाख रुपया मिल जाएगा, करेक्ट? इस तरीके से ही चेक वर्क करता है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड भी इस तरीके से ही वर्क करता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक रसीद सी होते हैं, एक बॉन्ड्स होते हैं, एक पेपर होते हैं, और बेसिकली इंडिया में एक ही बैंक है SBI जहाँ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स मिलते हैं। तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बेसिकली किसके लिए होते हैं? इट इज़ टू लाइक फंड और डोनेट बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी। सो से फॉर एग्जाम्पल मुझे BJP के आइडियाज़ अच्छे लगते हैं कि नहीं ये कंट्री के लिए अच्छा करते हैं तो हम उनको डोनेट करेंगे पैसा। किसी को कांग्रेस के आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो उनको करेंगे, आम आदमी पार्टी के लगते हैं तो उनके इलेक्ट्रल बॉन्ड्स उनके लिए खरीदेंगे। तो बेसिकली SBI से सिर्फ एग्जाम्पल मैंने 5,000 के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे कि इलेक्शन आ रहे हैं उसमें हमें मोदी जी को हेल्प करना चाहिए, इलेक्शन कैंपेन्स भी अच्छे होंगे, वो जीत के आएंगे तो हमारी कंट्री का अच्छा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और मैंने 5,000 के SBI से ये बॉन्ड्स खरीदे और मैंने BJP में जाके दे दिए। तो बेसिकली BJP फिर SBI और उसके लिए मैं पैसा दूंगी और इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदूंगी, मेरा अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है SBI में। और मैं BJP वाले जो भी लीडर है उनको दे दी हूँ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स तो वो जाके एनकैश करा सकते हैं SBI में और उनको पैसा मिल जाए। सो दिस इज हाउ इट फंक्शंस। बट अभी इधर मुद्दा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक क्वेश्चन पूछा है इसके रिगार्डिंग। मुद्दा ये है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का सोर्स क्या ये रिवील होता है कभी? तो एक्चुअली ऐसा सिस्टम है गाइज कि 20,000 अप टू 20,000 कि अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लिए हैं ना मैंने, समझो, तो मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की ज़रूरत नहीं। बट इफ़ मोर देन 20,000 इससे अप होता है तो मुझे सारी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो SBI के पास तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो गवर्नमेंट की ही बैंक है, मतलब PSU है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि चलो ये तो SBI के पास है, बट ये क्या पब्लिक में कभी भी ये इसका लिस्ट निकलता है या किसी भी तरीके से ये बताया जाता है कि किसने कैसा पैसा दिया? तो इसकी ट्रांसपेरेंसी कितने हद तक आप लोग रखते हो, क्या रखते हो, इसके बारे में इन्फॉर्म करो हमें, ठीक है? सो बेसिकली आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बारे में इधर बात की है एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट गवर्नमेंट को क्वेश्चन करे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का ट्रांसपेरेंसी कितना है। पिटिशनर के तौर पर वो एक्ट कर रहे हैं उनके बिहाफ में। तो बोल रहे कि ये स्कीम जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, इट अफेक्टेड द वेरी आइडिया ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो आर्टिकल 324 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो इसका वायलेशन हो रहा है थ्रू इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, बिकॉज लोग ऐसे पैसे देते हैं, पैसे देते और वो नेता जीतते हैं, तो ये तो ठीक नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहाँ हुआ ये, ऐसा बोला जा रहा है। जबकि एक्चुअली मैं, हाँ ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का सिस्टम भी मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ही आया है, ठीक है? तो ये चीज़ है, बट कितना वो ट्रांसपेरेंट है ये सिस्टम, और ट्रांसपेरेंट नहीं है तो कितना कंटिन्यू करना ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है? तो इसका जवाब आएगा और देन सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड अबाउट इट। या लेट्स गो अहेड। सो गाइज, डेरा चीफ गुरमीत राम रहीम सिंह गेट्स अ 40-day parole, ओके? सो सावदा चीफ है डेरा साचा, सावदा चीफ गुरमीत राम रहीम, ओके, जो 20 years से प्रिजन में थे, ओके, हरियाणा की सुनहरा जेल में, ओके, उनको परोल दिया गया फॉर 40 days। अभी वो न्यूज़ पूरा में किनको दिया गया क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए परोल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टर्म फॉर यू ऑल। परोल, परोल क्या होता है? तो दो चीज़ होती है गाइज, बेल एंड परोल। तो बेल जो है ना वो कैसा होता है ना, जब ये अभी तक पेंडिंग है केस, आपका केस चल रहा है और तब तक आपको जेल में नहीं रखना है, आपको रिलीज, आप अपने घर में रह सकते हो, उस चीज़ के लिए आपको बेल दी जाती है। बट परोल आपकी ड्यूरिंग जेल सेंटेंस दी जाती है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है बिटवीन जेल, बेल एंड परोल। तो वेन एवर कोई कन्विक्ट है जो जेल का सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट पास कर रहा है, सफ़र कर रहा है, और उसका बिहेवियर थ्रू आउट बहुत अच्छा है, ओके,
बिहेवियर इन द जेल हैव बीन थ्रू आउट, अच्छा रिकॉर्ड है उनका, अच्छा बिहेवियर है. तो फिर उनको कभी कभी बीच में, कभी वो कन्विक्ट का कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट है, उनकी फैमिली मेम्बर का कोई डेथ हो गया या शादी वगैरह है, ऐसे कुछ है, तो उनको दिया जाता है छुट्टी, आई मीन उनको कुछ दिन के लिए बाहर छोड़ा जाता है. तो ये जो डेरा चीफ है गुरमीत राम रहीम सिंह, 20 साल से वो लाइक हरियाणा की जेल में है और उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा रहा है, तो इसलिए उनको 40 डेज के परोल पे बाहर थोड़े टाइम के लिए छोड़ा गया. सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू नो, परोल का मतलब क्या है. ठीक है, गोइंग अहेड गाइस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट. हाँ, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का एक आया था अबाउट इको सेंसिटिव जोन गाइस. तो इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, ये जो फॉरेस्ट आपको फोटो दिख रहा है फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के आसपास का एरिया ये फॉरेस्ट है समझो. ठीक है, तो फॉरेस्ट के आसपास का पर्टिकुलर एरिया ये इको सेंसिटिव जोन के तौर पे डिक्लेयर कर दिया है और वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और यू नो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो एनवायरनमेंट को हार्म करती है वो नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ बताया गया है. तो टॉप कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसका जजमेंट पास किया है इको सेंसिटिव जोन का. ठीक है, कि 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन वहाँ एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए. तो रेडियस में, हाँ ये फॉरेस्ट है और उसके रेडियस में 1 किलोमीटर, बट इनसाइड फॉरेस्ट, देखिए आप तो ये फोटो देख रहे हो, इसमें आपको ये दिख रहा है इनसाइड फॉरेस्ट काफ़ी सारे घर बने हुए हैं. हाँ, तो वॉट अबाउट सम ट्राइबल और आदिवासी पीपल जो फॉरेस्ट के अंदर ही रह रहे हैं. ओके, केरला में ऐसा है, काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ जो खुद फॉरेस्ट के अंदर ही रहते हैं सालों से, तो उनका क्या, उनके सालों के घर चले जाएंगे. तो सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया है कि केरला के पॉइंट ऑफ व्यू से, केरला के फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस जजमेंट को रिव्यू करेंगे, हम वापस सुनेंगे और हम बाद में डिसीजन देंगे क्या केरला में ये इको सेंसिटिव जोन वाला एप्लीकेबल करना है. सिमिलर वाइज हमारे बॉम्बे में भी हुआ, मैं बॉम्बे से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे बॉम्बे में भी ये चीज़ हुआ है. हमारा जो नेशनल पार्क है मेरे घर के एकदम पास में ही है, सो वो नेशनल पार्क इज़ लाइक इन मिडल ऑफ सिटी, सिटी के एकदम मिडल में. तो पहले तो बोल दिया कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद, तो कितने सारे प्रोजेक्ट्स नए आ रहे थे वहाँ पे नेशनल पार्क के आसपास. तो ऑब्वियसली बॉम्बे जैसी पॉपुलेटेड सिटी में ये नहीं हो सकता, तो उधर भी एक्सेप्शन दे दिया, बॉम्बे चेन्नई को नहीं एप्लीकेबल होगा करके. तो इसी तरीके से केरला का भी वापस रिव्यू किया जा रहा है कि कितना उनके लिए इको सेंसिटिव जोन रखना, क्या किसी को एक्सेप्शन देना है अंदर रहने के लिए, नहीं देना है, ये चीज़ का रिव्यू सुप्रीम कोर्ट करने वाली. ठीक है, गोइंग फर्दर आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. सो गाइज, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट A-30, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट क्या है, काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता होगा, तो ये A-30 है. तो पहली बार इंडिया के बेंगलुरु में वो आया है. सो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट एयरबस A-380, इसने कैंपेगोवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज बैंगलोर के एयरपोर्ट पे लाइक लैंड किया था फॉर टाइम बी. ओके, सो ये एमिरेट्स फ्लाइट है गाइस, EK562 कैरिंग 224 पैसेंजर्स फ्रॉम दुबई. इट लैंडेड ऑन कियाज सेकेंड रनवे, वॉज अ स्पेशल फ्लाइट अहेड ऑफ द लॉन्च ऑफ इट शेड्यूल A380 सर्विसेज दैट विल कमेंस फ्रॉम October 30. ओके, सो 30 अक्टूबर से ये स्टार्ट होने वाली है, बट उसके जस्ट पहले उसे बैंगलोर में एक बार के लिए लैंड किया गया. ठीक है, तो ये आपको जस्ट ध्यान रखना है, ये लिखने विकने की ज़रूरत नहीं है न्यूज़, ये जस्ट ध्यान रखनी है. गोइंग अहेड, हम आगे के और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं क्विकली. सो गाइज, INS अरिहंत, ओके, सो INS अरिहंत कैरीज आउट की मिसाइल टेस्ट. INS अरिहंत जो है हमारा न्यूक्लियर सबमरीन है गाइज. ओके, सो कंट्रीज फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन. ओके, तो ये हमारा क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन है INS अरिहंत. ओके, इन्होंने एक सक्सेसफुल लॉन्च किया सो कैरिड आउट अ सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ अ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल. तो एक बैलिस्टिक मिसाइल के पर्पस से ये INS अरिहंत बनाया गया, तो उसका सक्सेसफुली एक लॉन्च किया बैलिस्टिक मिसाइल का फ्राइडे. ठीक है, सो इंडिया की सेकेंड स्ट्राइक है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी टेस्ट करने के लिए, और सक्सेसफुली ये टेस्ट किया है
तो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नो. ये न्यूक्लियर सबमरीन इसलिए भी ये वाला चीज़ जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है गाइज. बीच में इसके बारे में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये आया था कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना आज तक फ्रांस से ये टाइप की न्यूक्लियर सबमरीन खरीदती थी, ठीक है, ये वाली. बट अभी ऑस्ट्रेलिया ने ऑकुस चालू हुआ ना गाइज, आपको पता होगा ऑकुस, ऑस्ट्रेलिया यूके एंड यूएस, ये तीन कंट्री का अलायंस. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने ये सबमरीन्स यूएस से खरीदनी स्टार्ट कर दी है. तो इसकी वजह से फ्रांस नाराज हो गया था और ये वो बहुत इसके ऊपर इश्यू हो गया था, कंट्रोवर्सी हुआ था. तो इसके लिए अभी बीच में थोड़े टाइम पहले न्यूज़ में था, लाइक 3-4 मंथ्स बैक. तो न्यूक्लियर सबमरीन के रिगार्डिंग ये चीज़, और ये आईएनएस अरिहंत ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हमारा टेस्ट करता हुआ दूसरा मिसाइल टेस्ट किया एंड इट वॉज सक्सेसफुल. ओके, वो यह है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जानते हैं गाइज. सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट आ चुका है एंड हर साल के जैसे ये साल भी इंडिया का रैंक इज नॉट टू गुड, इट्स नॉट दैट गुड. ओके, सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज आउट, इंडिया इज ऑन अ सीरियस कैटेगरी एट रैंक 107, ठीक है. सो टोटल, एक ही सेकेंड, या इसको जरा जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है. सो इंडिया का रैंक इज जस्ट टू बैड, इट्स 107, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है. हमारा कंट्री आप देखिए श्रीलंका से भी पीछे, श्रीलंका का रैंक है 64, इवन तो इतने इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे श्रीलंका में फिर भी 64 रैंक है. नेपाल में 81, बांग्लादेश इज 84 एंड पाकिस्तान भी हमसे बेटर है 99. तो पूरे साउथ एशिया में इंडिया का सबसे वर्स्ट रैंक है, अफगानिस्तान को छोड़ के. अफगानिस्तान तो ऑब्वियसली बहुत ख़राब हालत में है ही, बट हम इंडिया तो इतनी ख़राब हालत में, हम अफगानिस्तान के साथ तो कंपैरिजन नहीं हो सकता हमारा. तो पूरे साउथ एशिया में हम सेकेंड लास्ट नंबर पे हैं, दैट्स जस्ट टू बैड. तो गाइज ये क्या होता है ना, मैं आपको बता दूँ, तो 107 में रवांडा, ये सब कंट्रीज भी हमसे आगे है. ओके, नाइजेरिया वर्स्ट कंट्री रैंकिंग से, ये सारी, इथोपिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सुदान, जाम्बिया, अफगानिस्तान, तिमोर लेस्टे, ये सब कैटेगरी में हम आ रहे हैं, दैट्स जस्ट टू बैड. बट हालांकि हम देखेंगे इसके रिलेटेड एक और न्यूज़ है, एक दो दिन के बाद ही गवर्नमेंट ने हमारी बोला था कि ये तो इंडिया का नाम खराब करने का ट्राई कर रहे हो, ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे. सो गाइस टोटली कितनी कंट्रीज है, एक सेकेंड, 121 कंट्रीज. ओके, सो 121 कंट्रीज में इंडिया का रैंक इज 107. ओके, बेसिकली चार फैक्टर्स पे ये दिया जाता है, चार फैक्टर्स पे ये दिया जाता है. ओके, इंडिकेटर्स चार हैं, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टालिटी. जूम करने से ये अंडरलाइनिंग नहीं होता, इसीलिए मैंने ज़रा जूम आउट किया था, अभी आपको पढ़ाती हूँ. तो चार इंडिकेटर्स होते हैं, पहला तो अंडर नरिशमेंट, सेकेंड होता है चाइल्ड स्टंटिंग. चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है गाइज, जिसका एज के हिसाब से रिक्वायर्ड हाइट जो होना चाहिए वो नहीं बढ़ता है, छोटे रह जाते हैं, हाइट बढ़ने में मतलब वो प्रमोट नहीं होता, मतलब हेल्थ ऐसी है कि हाइट ही नहीं बढ़ता, तो दैट्स चाइल्ड स्टंटिंग. एज के हिसाब से जो हाइट होनी चाहिए वो नहीं होती है. चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग ये होता है कि हाइट के हिसाब से जो वेट फिर होना चाहिए वो नहीं होता है, बहुत अंडर वेट होता है, दैट इज चाइल्ड वेस्टिंग. एंड चाइल्ड मोर्टालिटी मतलब अंडर 5 साल से कम के बच्चे बहुत सारे मर जाते हैं, दैट्स चाइल्ड मोर्टालिटी. सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये चार इंडिकेटर्स पे दिया जाता है, इसमें चाइल्ड वेस्टिंग में हमारा बहुत ख़राब हालत है, जिसको सुधारा जा सकता है गाइस, लाइक वेट के मुकाबले, हाइट के मुकाबले वेट कम है तो उसको सुधारा जा सकता है. हाँ, चाइल्ड स्टंटिंग थोड़ा डिफिकल्ट है सुधारना, बट चाइल्ड वेस्टिंग तो सुधारा जा सकता है. इसमें सबसे इंडिया का खराब परफॉर्मेंस है बेसिकली, ठीक है. सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट देखिए, इसके रिलेटेड ही ये न्यूज़ करा दूँ आपको कि हमारी गवर्नमेंट ने लाइक रिजेक्ट कर दिया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्टडी बेकार है, बोल दिया कि कम्प्लीटली इंडिया की इमेज को ख़राब करने की कोशिश है आप लोग की, ऐसा हमारे इंडिया में कुछ इतना ख़राब है ही नहीं जितना आप लोग दिखा रहे हो, ये बोल दिया इंडिया ने, ठीक है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम करेंगे इज दिस इज थोड़ा बैड थिंग, आई मीन ये रीड करके मेरा भी ऐसे दिल खराब दुखी हो गया, मतलब आई रियली फेल्ट बैड.
कि हमारी जुडिशरी ऐसे डिसीजंस कैसे दे सकती है। तो ये थोड़े टाइम पहले भी इसे क्रिटिसाइज किया गया था, वन ऑफ द एडिटोरियल जो मैंने पढ़ाए थे उसमें वापस ऐसा हुआ है। तो गाइस पॉक्सो एक्ट के अंडर, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये एक्ट के अंडर एक आदमी को बुक किया गया एक लड़की के साथ खराब तरीके से उसका रेप करने के लिए बेसिकली। ओके, तो कोर्ट ने यहाँ अलाहाबाद हाई कोर्ट ने, बीच में ऐसा ना बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया था, अभी अलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया, अलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस रेप अक्यूज को बोला कि तुम्हें हम यही कंडीशन पे बेल देंगे अगर तुम ये विक्टिम को, रेप विक्टिम से शादी कर लो। अभी जिस आदमी ने उसका रेप किया है वो लड़की उसके साथ रोज कैसे रह सकती है शादी करके, मतलब कोर्ट का इतना भी दिमाग नहीं है आई वंडर। और वो आदमी तो फिर बेल चाहिए तो वो रेडी हो जाएगा शादी करने के लिए, और उसको तो रोज फिर रेप करने को मिलेगा, आई मीन इट्स जस्ट टू बैड। तो ऐसे डिसीजंस भी आए हैं हमारे कोर्ट में विच ऑब्वियसली इज क्रिटिसाइज्ड बाय लॉट ऑफ पीपल, एडिटोरियल्स में भी इसे क्रिटिसाइज किया गया। तो दिस हैज हैपेंड। ओके, देन गाइस बुर्किना फासो के में कू हुआ है, मिलिट्री कू हुआ है, और मैंने थोड़े दिन पहले आपको दो लास्ट वीक के वीकली करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि ही इज द यंगेस्ट लीडर द कंट्री हैज, मतलब कोई भी वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट लीडर है, द एज ऑफ 34, सिर्फ 34 उनका एज है। तो उन्होंने अपने आप को अभी ट्रांजिशन प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया है, ओके, कंट्री का, बुर्किना फासो का, ये ध्यान रखना है आपको। ये न्यूज़ तो मैं करा चुकी हूँ, आगे बढ़ेंगे। ये न्यूज़ है, प्रसन्ना बी वराले टेक्स ओथ एज चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका के चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं गाइज, ये सब ध्यान रखना है, बस दिमाग में रखना है और लर्न वर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मोदी जी ने एक चीज़ बोला है, लाइक हम लोग ने अभी देखा था गाइज लास्ट वीक में कि हिंदी हिंदी में MBBS की कुछ बुक्स को हिंदी में रिलीज किया गया इन MP, ये हमने देखा था, करेक्ट। सो कहीं ना कहीं बेसिकली बीजेपी गवर्नमेंट और अमित शाह भी हिंदी लैंग्वेज का प्रमोट करते रहते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी सजेस्ट किया है कि IIMs में हिंदी लैंग्वेज होना चाहिए, जिसको लेके स्टालिन जी, लाइक M.K. स्टालिन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, बहुत भड़क गए थे, ये हमने पढ़ा था लास्ट वीक के करंट अफेयर्स में, राइट। सो अभी खुद मोदी जी आके, क्योंकि उनका इतना प्रभाव पड़ता है सब पे, वो खुद आके बोल रहे हैं कि अभी लॉ में IIM, IIT मेडिकल जाने दो, ये तो MBBS की बुक्स, मेडिकल की बुक्स आई थी हिंदी में। अभी PM बोल रहे हैं कि हमारा लीगल सिस्टम जो है ना, इसमें जस्टिस इजीली लाने के लिए रीजनल लैंग्वेजेस यूज़ करना चाहिए, हिंदी दे आर नॉट सेइंग, हिंदी की बात नहीं करे, बोल रहे रीजनल लैंग्वेजेस में होना चाहिए। तो क्या होता है ना गाइस, कोर्ट वगैरह में काफ़ी सारी कोर्ट्स में अभी ये है, स्पेशली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये चलन है कि इंग्लिश में ही बात करने का, इंग्लिश में बात नहीं किया तो वो लॉयर अच्छा नहीं है, या तुम नहीं आर्ग्यू कर सकते हो, जजेस ऐसा बोल देते हैं। बीच में रिसेंटली हुआ था पटना हाई कोर्ट में ये चीज़, तो ये तो ठीक बात नहीं है वैसे तो। जितना आसानी से रीजनल लैंग्वेज में पब्लिक भी समझ पाएगी, और ऑलवेज रीजनल लैंग्वेज लोगों फर्स्ट कंफर्टेबल होते हैं, फिर सेकेंड इंग्लिश इंटरनेशनल लेवल पर मानी जाती है, इसलिए यूज़ करते हैं। तो लीगल सिस्टम में जस्टिस ईजीली लाने के लिए रीजनल लैंग्वेजेस में कोर्ट में भी आर्ग्यूमेंट हो, पिटिशंस वगैरह भी उसमें फाइल होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए, PM ये बोल रहा है, हमारे मोदी जी ये बोल रहा है, ठीक है। सो डिले इन जस्टिस डिलीवरी बिग चैलेंज, तो हमारी इंडियन कोर्ट्स आर लाइक बदनाम है इस चीज़ के लिए कि इधर जस्टिस तो आने में सालों निकल जाते हैं, तो ये डिले ना हो इसके लिए ये कर देंगे तो भी अच्छा रहेगा, ऐसा PM मोदी का आइडिया है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ करेंगे। तो गाइज ये जो है ना, इधर ये एक चीज़ ज़रा कॉन्स्टिट्यूशन एंगल से इम्पॉर्टेंट है, दैट इज ऑब्वियसली लीगल रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे ज़रा अच्छे से करते हैं। सो गाइज जम्मू एंड कश्मीर में है ना, कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करते हुए 5 गवर्नमेंट के स्टाफ वाले पकड़े गए, तो उनको सैक कर दिया गया, सैक मतलब निकाल दिया गया, सस्पेंड, फॉरएवर सस्पेंड, मतलब निकाल दिया गया जॉब से। तो यहाँ बात कॉन्स्टिट्यूशन की इसीलिए हो रही है क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है। अभी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को क्या सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल सकती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को स्टेट गवर्नमेंट निकाल सकती है, ये मुद्दा है, इसको हमें इधर समझना है, ठीक है, अच्छे से।
So Jammu and Kashmir administration on Saturday ordered the dismissal of 5 employees under Article 311. ये आर्टिकल 311 हमें याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, क्योंकि वो लोग एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे थे. तो बेसिकली आर्टिकल 311 ऐसा बोलता है गाइज, ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला आर्टिकल ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये लिखना भी है आपको. सो आर्टिकल 311 ये बोलता है कि नो ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न एक्सेप्ट फॉर अ रिपोर्ट फाइल्ड बाय सिक्योरिटी एजेंसीज टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज. तो जनरली स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को स्टेट गवर्नमेंट निकाल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल सकते हैं, बट अगर कोई भी एम्प्लॉयज के ऊपर एंटी नेशनल चार्जेस लग जाते हैं कि कंट्री के खिलाफ कुछ करते हैं, तो नो इंक्वायरी, नथिंग रिक्वायर्ड, सीधा उनको निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा आर्टिकल 311 कॉन्स्टिट्यूशन का अलाउ करता है, ठीक है. सो नो ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न एक्सेप्ट फॉर रिपोर्ट फाइल बाय सिक्योरिटी एजेंसीज. अच्छा, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अगर सिक्योरिटी एजेंसीज ने रिपोर्ट फाइल करा है टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज, ओके, तो आपको इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल मतलब किया है तो ठीक है, वरना जरूरी नहीं है ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन अगर वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रख लीजिए, ओके. सो टेरर एक्टिविटीज में, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, निकालो, ठीक है. चलिए, मैं क्विकली, एक घंटा हो गया है, फटाफट से हम और हमारी न्यूज कुछ इंपॉर्टेंट है, दो ही न्यूज बाकी है, फटाफट से कर लेते हैं. सो दिस न्यूज गाइज, सेंटर इज कंसिडरिंग श्रीलंका प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट गौर्स. ये इंडियन गौर है, आप फोटो देख रहे हो, हाँ. तो ये क्या हुआ है ना गाइज, श्रीलंका में ये जो गौर्स हुआ करते थे पहले, बट ये अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वहाँ ख़त्म हो चुके हैं. तो श्रीलंका को चाहिए, ऑब्वियसली हमें नेचर का बैलेंस बनाए रखना है, राइट. तो वो इसके लिए सर्टेन एनिमल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में भी आपको पता है नामीबिया से हमने चीताज लाए, राइट. सो वैसे श्रीलंका ने हमें प्रपोजल दिया है कि हम आप कुछ आपके यहाँ पे इतने सारे गौर्स हैं, आप प्लीज़ उसे भेजो यहाँ पे. तो इंडिया कंसिडरिंग, लाइक सेंटर इज कंसिडरिंग दिस श्रीलंका प्रपोजल, और भेजेंगे, शायद पैसा भी लेंगे इसके लिए, बट पैसा है नहीं उनको, उनके पास देने के लिए. तो दैट इज द मेन मुद्दा, तो दैट इज द थिंग, ओके. और ये गौर्स हैं ना, इंडियन गौर इंडिया में तो है, श्रीलंका में 17th सेंचुरी में ही एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो अभी अचानक से उनको 4 सेंचुरी के बाद अभी सूझा है कि हमें चाहिए. तो दिस इज वॉट इज हैपनिंग. ये वाला मैंने करा दिया कि गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्टडी, ठीक है. गाइज, एक सर्वे हुआ था और ये सर्वे में ऐसा पाया गया, हमने मतलब सर्वे किया था कि मेडिकल कॉलेजेस कहाँ पे कंट्री में कितनी हैं. तो इसमें तमिलनाडु एंड यूपी में हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस है, ये पाया गया, ठीक है. सो हरियाणा सॉरी तमिलनाडु में 11.4% एंड यूपी में 10.9%, टोटल कंट्री में से 11 और 10% तो इधर ही है, तो वो चीज़ है. एंड ये भी मैंने पढ़ा दिया कि बिडेन भाई साहब ने वही एक साइड से वो F-16 फाइटर जेट्स को रिवैम्प करने में हेल्प करते हैं उनको, और एक साइड से पाकिस्तान को मोस्ट डेंजरस नेशन बोल दिया. सो इसके कारण पाकिस्तान नाराज हो गया, और पाकिस्तान में जो US एनवॉय है उनको समन किया कि भाई तुम्हारे कंट्री में मैसेज पहुंचाओ कि हम लोग नाराज है, ये क्या बात हुई. तो ये हुआ है. सो ऑन द फनियर नोट हम लोग एंड करते हैं हमारा सेशन. ऑलमोस्ट 14th to 16th October के आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कवर ऑल दी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. आई रियली होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू एवरी वन. थैंक यू सो मच गाइज, बाय एवरी वन. कमिंग अप विथ अनदर वीडियो ऑन करंट अफेयर्स पार्ट 2, वीकली करंट अफेयर्स पार्ट 2, जिसमें 17, 18, 19, 20 के करंट अफेयर्स में कवर करूँगी. ओके, बाय गाइज, एन्जॉय, हैव अ गुड डे.